तो आप देखो रिजल्ट के हिसाब से क्या स्थापना का कार्य, स्व को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, ये कार्य संपन्न हुआ है। स्वयं को जीवन मुक्त स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को दुखों से मुक्ति का वर्षा दिलाना, ये स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म है। बाप दादा इसीलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्ति की स्टेज पर संगम पर पहुंचना है या सतयुग में पहुंचना है, कहां पहुंचना है, संगम युग पहले है या सतयुग पहले है? संगम युग पहले है, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। तो कहां पर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना है? संगम में करना है ना। या ऐसे समझते हो कि सतयुग में भी राजयोग सीख करके संपन्न बनेंगे? यहाँ शिखामणी दी जा रही है, यहाँ राजयोग की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, तो राजयोग का रिजल्ट कहाँ लेंगे, सतयुग में लेंगे या संगम युग में लेंगे? और जीवन मुक्ति का वर्षा कहाँ अनुभव करेंगे? संपन्न तो यहाँ ही बनना है ना, और संपूर्ण भी यहाँ बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े से बड़ा खजाना है। तो याद रखो, किसके रोके रुका है सबेरा, क्या वो सीरियल आते हैं ना, तो उसमें दिखाते हैं आसुरी पार्टी कहती है अंधेरा कायम रहेगा, हम सवेरा नहीं आने देंगे। वो सवेरे को रोकना चाहते हैं। तो बताओ बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक तो बच्चे हैं। तो अपना खाता चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो बड़े मौजी राम हैं, बड़े मौज में चल रहे हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसी मौज में चल रहे हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, अभी तो मौज मना लें। सतयुग में कौन देखता है, कौन जानता है वहाँ क्या होगा, कौन हमको बैठ करके देखेगा? तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे बच्चे भी देखे जो बहुत मौज मस्ती में होकर के पुरुषार्थ में अलबेले होकर के चल रहे। 28 मार्च 2006 की अव्यक्तवाणी का चौथा पीर। तो बाप दादा कहते हैं अभी मौज कर लो, दूसरों को भी कहते हैं अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो मौज करो, अरे खूब कर लो मौज। बाप भी कहते हैं अच्छा खूब कर लो मौज। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो अभी खूब मौज कर लो,
खूब मौज मस्ती कर लो, विनाशी साधनों की मौज कर लो। ये विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है, सदाकाल की मौज को छोड़ अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हैं तो बाप दादा क्या कहेंगे। इशारा देंगे और क्या करेंगे। कोई हीरो की खान पर जाए और एक या दो हीरा लेकर के खुश हो जाए। तो उसको क्या कहेंगे। तो ऐसा नहीं बनना। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो।